इंडिया में सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और जब से इंजीनियरिंग कॉलेज का इंजीनियर प्रोडक्शन रेट इंक्रीज़ हुआ है, तब से मोस्ट ऑफ़ द ऑफिसर्स इंजीनियरिंग फील्ड से ही बिलोंग करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, क्योंकि इन ऑफिसर्स को इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में ही पता चल जाता है कि इंजीनियरिंग के लाइन में करियर बनाना इतना आसान नहीं है। तो आज हम लोग बात करेंगे इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, राइट। तो सबसे पहला हम लोग ये देखेंगे क्या आप कोई ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हो, लाइक फॉर एग्जांपल आपके घर का फ़ैन चक ख़राब हो जाता है, फिर उसके बाद आपके मम्मी पापा किसी इलेक्ट्रिशियन को कॉल करते हैं, वो इलेक्ट्रिशियन आता है, फिर वो फ़ैन रिपेयर करके चले जाता है, और एट द सेम टाइम आप सोच रहे होते हो कि भाई मैं भी इंजीनियर हूँ मगर मैं ये फ़ैन को रिपेयर नहीं कर पा रहा। सिमिलरली आपके घर की मोटर ख़राब हो जाती है या फिर कोई मोटर अगर ख़राब हो जाती है, तो अगर वो मोटर बनाने का सवाल है तो ऑब्वियसली फिर से कोई बंदा आएगा, टेक्नीशियन आएगा, इलेक्ट्रीशियन आएगा, तो जो इलेक्ट्रीशियन है वो क्या करेगा, ये मोटर को रिपेयर करेगा, मोटर को बनाएगा। और एक बाजू खड़े रहते हुए आप सोचोगे कि भाई मैं भी इंजीनियर हूँ मगर मुझे मोटर बनाने नहीं आता। सिमिलरली अगर आप किसी गैराज में जाओ तो गैराज में आईसी इंजन होगा, या फिर अगर कोई आईसी इंजन में अगर किसी भी तरीके का अगर फॉल्ट आता है तो आईसी इंजन को एक पर्टिकुलर पर्सन रिपेयर करता है जो कि पढ़ा लिखा नहीं होता ऑब्वियसली। फिर उसके बाद आप सोचते रहते हो कि भाई मैं भी इंजीनियर हूँ मगर ये आईसी इंजन को मैं रिपेयर नहीं कर पा रहा। तो अगर इंजीनियरिंग का मतलब किसी भी चीज़ को रिपेयर करना है, मोटर बनाना फंका बनाना आईसी इंजन बनाना, अगर इंजीनियरिंग का मतलब किसी भी चीज़ को बनाना है तो ISRO, UPSC, गेट, ये हमें न्यूमेरिकल क्यों पूछते हैं। हमें पता है गेट का एग्ज़ाम देने के बाद, ISRO ISRO का एग्ज़ाम देने के बाद, UPSC इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम देने के बाद किसी इंजीनियर को जो सैलरी पैकेज मिलता है, आई होप आपको पता होगा, उसके बारे में मैं डिस्कशन नहीं करूँगा। अगर आप देखो एज़ पर माय, जहाँ तक के मेरे को पता है, कोई अगर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में अगर कोई ऑफिसर बन के जाता है, UPSC ESC कोई क्रैक करता है, तो उसकी जो स्टार्टिंग जो सैलरी होती है वो समवेयर अराउंड 55,000 होती है ऐसा बेसिक पे, और ओवरऑल मिला के उसको मतलब शायद से 80 तक के में भी सैलरी आती रहेंगी। और अगर आप देखो BSU का अगर कोई इंटरव्यू क्रैक करता है तो ऑब्वियसली उसको भी 80,000 से 90,000 इंडिया में सैलरी मिलती है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो एग्जामिनेशन है, ये एग्जामिनेशन क्रैक करने के बाद कोई इंजीनियर है ऑब्वियसली उसको अच्छे पैकेज का जॉब मिलेगा, अच्छे लेवल का जॉब मिलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये कि अगर इंजीनियरिंग का मतलब किसी भी चीज़ को बनाना होता है तो ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े एग्जामिनेशन, ये जो बड़े बड़े जो बोर्ड होते हैं, ये किसी भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट को न्यूमेरिकल क्यों पूछते हैं, किसी भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस काय के लिए पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। और अगर इंजीनियरिंग का मतलब किसी भी चीज़ को बनाना है तो हम लोग M1, M2, M3, M4 ये मैथमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं इंजीनियरिंग के 4 साल में। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, इंजीनियरिंग का मतलब होता क्या है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो प्रॉब्लम होती है, बेसिकली दो लेवल पर प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही होती है। जैसे कि मैंने आपको जो सैलरी पैकेज का बोला वो मैंने मेरे आइडिया के हिसाब से बोला, जहाँ तक कि मेरे को पता है, मे भी जो सैलरी होगी वो वेरी करती होगी, ऊपर नीचे करती होगी। वेल, ये जो सैलरी है हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा जो कंसर्न है एक्चुअल कॉन्सेप्ट को समझना, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो प्रॉब्लम है वो दो लेवल पर होती है, पहली जो प्रॉब्लम है वो टेक्निकल लेवल पर होती है, दूसरी जो लेवल होती है वो इंजीनियरिंग लेवल पर होती है, राइट। अगर कोई भी मुझे पूछता है कि इंजीनियरिंग का मतलब क्या, मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करता हूँ, कोई भी चीज़ जो कि एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं समझ पाए वो इंजीनियरिंग है, और कोई भी चीज़ जो कि एक ऑर्डिनरी पर्सन समझ जाए वो इंजीनियरिंग नहीं है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो प्रॉब्लम है वो दो लेवल पर एग्जिस्ट करती है, पहली टेक्निकल लेवल पर और दूसरी जो दूसरा है वो इंजीनियरिंग लेवल पर। ये जो टेक्निकल लेवल पर जो प्रॉब्लम होती है ना, वो ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसे कोई ऑर्डिनरी पर्सन, कोई भी पर्सन पाना पकड़ा लेके सॉल्व कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल फ़ैन को रिपेयर करना, ये कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन सॉल्व कर सकता है। ट्रबल शूटिंग करना, ये भी कोई ऑर्डिनरी पर्सन कर सकता है। ट्रबल शूटिंग मतलब किसी भी चीज़ को रेक्टिफाई करना फॉल्ट आने के बाद। सिमिलरली किसी भी चीज़ का मेंटेनेंस करना, तो ये ऑर्डिनरी पर्सन कर सकता है। इन सिंपल वर्ड, ये जो टेक्निकल लेवल पर जो प्रॉब्लम होती है, ये ऐसी प्रॉब्लम होती है कि इसे कोई भी उठे छूटे या फिर कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन, कोई भी लोकल पर्सन, कोई भी नॉर्मल पर्सन ये टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, राइट। और दूसरी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है इंजीनियरिंग लेवल पर प्रॉब्लम। अभी इंजीनियरिंग लेवल पर जो प्रॉब्लम होती है इसे ऐसा वैसा आदमी सॉल्व नहीं कर सकता है। ये इंजीनियरिंग लेवल पर जो प्रॉब्लम होती है इसे सॉल्व करने के लिए पर्सन का मैथमेटिक्स, दूसरा फिज़िक्स। मैं जब भी इंजीनियरिंग में बोलता हूँ कि इंजीनियरिंग में जो फिज़िक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग में फिज़िक्स के अलावा, मैथमेटिक्स के अलावा इंजीनियरिंग अधूरी है। ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में मैंने मेरे प्रोफेसर को बोला था कि सर मेरा जो प्रोजेक्ट है बेसिकली फिज़िक्स के प्रिंसिपल पर बना है, तो मेरे प्रोफेसर ने मुझे रिप्लाई किया था आप अपनी फिज़िक्स अपने पास रखो।
राइट तो उसके आगे मैं कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं किया क्योंकि हमें पता है इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या चलता है आजकल। ये जो इंजीनियरिंग है बहुत बड़ा धंधा हो गया, बहुत बड़ा बिजनेस हो गया। मगर फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हो इंजीनियरिंग में, किसी भी फील्ड में ग्रो करना आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। राइट, किसी भी फील्ड का स्कोप नहीं होता, जो स्कोप जो होता है वो आपकी स्किल्स का होता है, आपको आता क्या है। अगर आपको लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको ड्राइविंग, अगर आपको गाड़ी चलाने आती है राइट, तो मैं आपको ऑब्वियसली गाड़ी चलाने का जॉब दे दूंगा। मगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है मगर आपको गाड़ी चलाने नहीं आती है, तो ऑब्वियसली मैं आपको गाड़ी चलाने का जॉब नहीं दे पाऊंगा। राइट, तो यहाँ पर जो मैटर जो करता है वो स्किल्स मैटर करते हैं, आपके पास है क्या, आपको आता क्या है। राइट, तो यहाँ से आई होप आपको समझ में आ गया होगा, किसी फील्ड का स्कोप नहीं होता, जो स्कोप जो होता है वो आपकी स्किल्स का होता है, आप क्या कर सकते हो उसका होता है, आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी, आपके अंदर क्या एबिलिटी, आप क्या गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो, आप कोई जूनियर लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। कोई कोई ऐसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं जो कि जूनियर लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, जो कि सीनियर, कोई कोई सीनियर लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि UPSC ESC का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं। राइट, तो डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हो। राइट, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इंजीनियरिंग लेवल पर जो प्रॉब्लम होती है उसे सॉल्व करने के लिए पर्सन के पास ये बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और ये इंजीनियरिंग प्रिंसिपल। तो जो इंजीनियरिंग लेवल पर जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व आउट करने के लिए हमें ये चाहिए होता है, ये तीनों चाहिए होता है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल। राइट, अभी इंजीनियरिंग लेवल पर प्रॉब्लम क्या होती है इसके मैं आपको 10 एग्जांपल दे दूंगा आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, दो प्रॉब्लम होती है टेक्निकल लेवल पर और दूसरी जो प्रॉब्लम होती है इंजीनियरिंग लेवल पर। इंजीनियरिंग लेवल पर जो प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको चाहिए होगा मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल। और जो बंदा, जो पर्सन ये मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल लगा सकता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंजीनियर। और जो नहीं लगा सकता है, जो ये मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल नहीं लगा सकता है, ऑब्वियसली वो इंजीनियर की कैटेगरी में नहीं आता है। राइट, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको डिग्री दे दूँ इंजीनियरिंग की मगर आपको इंजीनियरिंग के बारे में कुछ पता ही ना हो, ये तीनों चीज़ों के बारे में आपको पता ही ना हो, तो ऑब्वियसली आप इंजीनियर नहीं हो। लाइक फॉर एग्जांपल ये जो आजकल जो डिग्री देने का जो इंजीनियरिंग कॉलेज जो डिग्री जो दे रही है ये बेसिकली एक बिजनेस बन गया है। डिग्री लेना, इंजीनियरिंग की डिग्री लेना मजाक है, इंजीनियरिंग की डिग्री लेना मजाक है। इंजीनियरिंग आसान है ये डिग्री लेने के टर्म्स में, मगर कॉन्सेप्ट के टर्म्स में इंजीनियरिंग आपको खा लेंगी। 90% ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है वही क्लियर नहीं होता उनको। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो दूर की बात रही, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट तो दूर की बात रही, उनको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का ही अता पता नहीं होता है। राइट, फिर अल्टीमेटली क्या 90% ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं अनएम्प्लॉयड। फिर उसके बाद कोसते इंजीनियरिंग को कि भाई हमने इंजीनियरिंग कर ली मगर हमें जॉब नहीं मिल रहा है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे कि इंजीनियरिंग है क्या और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, क्या क्या फीचर्स होना चाहिए ताकि वो एज ए इंजीनियर उसको हम लोग बुलाएं वो पर्टिकुलर स्टूडेंट को, और वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट अच्छे मतलब अपने लाइफ में इंजीनियरिंग में करियर बना पाए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें बात कर लेते हैं अभी इंजीनियरिंग लेवल पर प्रॉब्लम क्या होती है। इंजीनियरिंग लेवल पर जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए तो हमारे पास ये तीन टूल है जो कि है मैथमेटिक्स, फिजिक्स और ये इंजीनियरिंग प्रिंसिपल। अभी इंजीनियरिंग लेवल पर प्रॉब्लम होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो कि इंजीनियरिंग लेवल पर होती है, सिंपल सी प्रॉब्लम जो कि अभी मेरे माइंड में एग्जिस्ट कर रही है। मैं आपको देना चाहूँगा एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल बुर्ज खलीफा का। आई होप आपको पता होगा बुर्ज खलीफा के बारे में, सबसे मतलब टॉलेस्ट बिल्डिंग है, मे बी उससे भी कोई बड़ी बिल्डिंग आ चुकी है, आई मीन बिल्डिंग नहीं इसका स्क्रैपर, सबसे टॉलेस्ट इसका स्क्रैपर है, इससे भी बड़ी आ गई होगी मे बी, अभी 2022 चल रहा है जहाँ तक है मेरे इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया है खलीफा, यहाँ पर ये जो खलीफा है इसका जो स्ट्रक्चर हमने जो बनाया वो किसके ऊपर बनाया है, रेतीली ज़मीन के ऊपर बनाया है। और यहाँ पर ये खलीफा रेतीली ज़मीन के ऊपर है, और ऑब्वियसली अब अगर आप किसी सिविल इंजीनियर से पूछो तो आप देखोगे कि जो फाउंडेशन जो होता है किसी भी बिल्डिंग का उसको हम लोग सॉलिड ज़मीन पर बना सकते हैं, रेतीली ज़मीन पर हम लोग किसी भी बिल्डिंग का फाउंडेशन नहीं बना सकते। मगर ये इतनी बड़ी स्काई स्क्रैपर का फाउंडेशन हमने डेजर्ट पर बना दिया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इतनी बड़ी ये जो स्काई स्क्रैपर है इसका फाउंडेशन ये मिट्टी पर बनाना ये पाने पकड़ का काम नहीं है। यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल चाहिए होगी, यहाँ पर आपको फिजिक्स के लॉ पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इंजीनियर्स ने यहाँ पर क्या सोचा, यहाँ से आ जाता है पाइल फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट। ये जो खलीफा है इसका जो फाउंडेशन है इसको बनाने के लिए बहुत सारे पाइल्स को क्या किया गया, जो रेतीली ज़मीन है उसके अंदर बिछा दिया गया, जिसके वजह से होता क्या है जो सैंड पार्टिकल होते हैं उसके मोशन के वजह से होता क्या है, ये जो पाइल होता है वो स्टैटिक होता है, अपने पोजिशन से बिल्कुल भी नहीं मूव कर पाता।
तो ये पायल फाउंडेशन बनाया गया, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पायल फाउंडेशन जो बनाने के लिए हमने जो पायल को जो रेतीली ज़मीन के अंदर जो घुसा, ये कुछ नहीं, ये फिज़िक्स का प्रिंसिपल है। आपने पढ़ा होगा फ्रिक्शन के बारे में, तो ये जो हमने जो यहाँ पर ये जो पायल फाउंडेशन का जो कॉन्सेप्ट जो देखा, ये फ्रिक्शन के साथ ही एसोसिएटेड होता है। अगर आपको एक पेंसिल लो और वो पेंसिल को अगर आप रेत के अंदर अगर अप डाउन करो, रेत के अंदर अगर आप इंसर्ट करो, तो रेती के पार्टिकल्स के वजह से होगा क्या, जो पेंसिल होगी वो अपनी जगह पर स्टैटिक हो जाएंगे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो यहाँ पर पहला फिजिक्स का प्रिंसिपल यूज़ किया गया है जो कि है फ्रिक्शन। दूसरा अगर हम लोग देखें जो बुर्ज खलीफा है, खलीफा की जो हाइट है वो इतनी लंबी हाइट है, और यहाँ पर आप देखो इस इतनी ज़्यादा हाइट पर जो हवा का जो प्रेशर होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें उतनी हाइट से गिर जाएंगी, कोलैप्स हो जाएंगी। मगर यहाँ पर ये जो खलीफा है इतने हाइट पर भी एग्जिस्ट कर पा रही है, किस तरीके से एग्जिस्ट कर पा रही है। तो यहाँ पर फिज़िक्स का दूसरा लॉ इंजीनियर्स ने यूज़ किया, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन में बेसिकली होता क्या है, हमें पता है, हमने फिज़िक्स में पढ़ा होगा, हर एक सिस्टम की ऑसिलेट करने की खुद की एक फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। अगर कोई एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी वो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी से अगर मैच कर जाए तो ऐसे केस में होगा क्या, वो जो सिस्टम होगा वो कोलैप्स हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें इतनी ज़्यादा हाइट पर जो हवा होगी, एयर, उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी होगी। और यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है, हम लोग चाहते क्या है, जो स्ट्रक्चर की जो ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो हवा की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच ना कर जाए। अगर ये ऑसिलेशन की ये स्ट्रक्चर की ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी अगर हवा की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए, अगर ये स्ट्रक्चर का ऑसिलेशन अगर ऊपर चलने वाली हवा के ऑसिलेशन के साथ मैच कर जाए, तो होगा क्या, ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो जाएगा और नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो ये प्रॉब्लम को मिनिमाइज़ करने के लिए या फिर ये प्रॉब्लम को हटाने के लिए इंजीनियर्स ने क्या करा, जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है उसको कॉम्प्लेक्स टाइप में थोड़ा बनाया गया। अगर आप देखो, आप रिसर्च करो तो आपको मिलेगा ऊपर का जो स्ट्रक्चर है उसे कॉम्प्लेक्स टाइप में बनाया गया। और बोला जाता है एक फिनोमिना होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं विंड कन्फ्यूजिंग फिनोमिना। तो विंड कन्फ्यूजिंग ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर है उसको कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से हुआ क्या, एक फिनोमिना निकला जिसको हम लोग बोलते हैं विंड कन्फ्यूजिंग फिनोमिना। तो विंड कन्फ्यूजिंग फिनोमिना की वजह से हुआ क्या, जो एयर की जो फ्रिक्वेंसी है वो ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है उसके ऑसिलेशन की फ्रिक्वेंसी के साथ मैच ही नहीं कर पाती, जिसके वजह से रेजोनेंस कंडीशन नहीं हो पाती, और रेजोनेंस कंडीशन नहीं होने की वजह से जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है वो टिक जाता है। तो यहाँ पर दूसरा फिजिक्स का लॉ यूज़ किया गया। तो यहाँ पर ये जो यूज़ किया गया है, जो फिज़िक्स का जो लॉ जो यूज़ किया गया है, फिज़िक्स के लॉ को यूज़ करने वाला जो पर्सन होता है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं इंजीनियर। खलीफा को बनाने में इंजीनियर्स ने एक और एक लॉ का यूज़ किया। बेसिकली प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही थी, ऑब्वियसली हमें पता है कि दुबई में जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो हायर टेम्परेचर के वजह से हो क्या रहा था, जो खलीफा का जो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर था उसमें बहुत ज़्यादा हीट, मतलब उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, और जिसके वजह से जो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर था उसका जो इंटीरियर था उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रेज हो रहा था। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए या फिर ये प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए इंजीनियर्स ने क्या किया, जो खलीफा का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको कवर कर दिया विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्टिंग ग्लासेस। तो रिफ्लेक्टिंग ग्लासेस के वजह से होता क्या है, वो रिफ्लेक्टिंग ग्लासेस के वजह से हुआ क्या, ये जो सूरज की जो लाइट इंटेंसिटी है वो ग्लास से करती है कोलाइट, फिर उसके बाद वो जो लाइट इंटेंसिटी होती है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, जिसके वजह से होता क्या है, जो सूरज की जो रेडिएशन है वो खलीफा के इंटीरियर तक नहीं पहुंच पाती, जिसके वजह से इंटीरियर का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा नहीं हो पाता। तो ये इंजीनियर्स ने प्रिंसिपल यूज़ किया, फिज़िक्स के लॉ यूज़ किया ये खलीफा को बनाने के लिए। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, फिज़िक्स केमिस्ट्री और फिज़िक्स मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का यूज़ करो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी को ही हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग। और पर्सन जो कि फिज़िक्स मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का यूज़ कर पाता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं इंजीनियर। यहाँ पर मैं आपको एक और एक एग्जांपल से समझाता हूँ इंजीनियर कौन होते हैं। यहाँ पर हमें पता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, माइकल फैराडे ने लॉ दिया था फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो लॉ हमें बोलता है अगर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख के अगर हम लोग रोटेट करें तो कंडक्टर में इंड्यूस होता है EMF, और ये EMF की वजह से कंडक्टर में फ्लो होता है करंट। तो ये फैराडे के लॉ को ध्यान रखते हुए एक पर्सन जिसका नाम था हिप्पोलाइट पिक्सी ने क्या बना दिया, DC जनरेटर बना दिया। और हमें पता है DC जनरेटर है कि अगर कहीं पे भी लाइट चले जाती है तो वहाँ पर हम लोग लगा देते हैं DC जनरेटर। अगर सिस्टम अगर DC पर ऑपरेट हो रहा है तो ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे इधर उधर की। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो हिप्पोलाइट पिक्सी, उसने क्या किया, फैराडे का लॉ यूज़ किया और उसने एक मशीन बना दी जो कि DC जनरेटर हमें देता है इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हिप्पोलाइट पिक्सी है ये है कौन, ये हिप्पोलाइट पिक्सी है बेसिकली इंजीनियर। तो कोई भी पर्सन
जो कि फिजिक्स के लॉ का यूज़ करते हुए किसी भी चीज़ को बना दे लाइफ आसान करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं इंजीनियर। सिमिलरली अगर ये जनरेटर में हिप्पोलाइट पिक्सी या फिर चार्ल्स ब्रश, दोनों में से कोई एक पर्सन था जिसने डीसी जनरेटर बनाया था, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इंजीनियर बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने फिजिक्स का लॉ का यूज़ किया और एक मशीन बना डाली। यहाँ पर अगर ये डीसी जनरेटर में किसी भी तरीके का फॉल्ट आ जाता है तो ये फॉल्ट को रेक्टिफाई करने का काम कौन करेगा, ये फॉल्ट को रेक्टिफाई करने का काम करेगा टेक्नीशियन, ऑर्डिनरी पर्सन जो कि फॉल्ट को रेक्टिफाई करने का काम करेगा, राइट। सिमिलरली एक और एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ इंजीनियरिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन मेरे सामने आता है और वो मुझे बोलता है कि मैंने सर्किट बनाई हूँ, इस सर्किट में मैंने 10 वोल्ट की बैटरी लगाया हूँ, 2 ओम का रेसिस्टेंस है, और वो पूछ रहा है कि सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा। तो मुझे पता है ओम्स लॉ, आई इज इक्वल टू वी बाय आर, वी कितना है 10, आर कितना है 2, तो मुझे मिल जाएगा 5 एम्पियर। तो मैं उसे इंस्टेंटेनियसली बोलूँगा कि सर्किट में जो करंट जो फ्लो होगा वो कितना करंट फ्लो होगा, 5 एम्पियर करंट फ्लो होगा। अब ये सर्किट में 5 एम्पियर करंट फ्लो रहा है, इससे क्या हो जाएगा, ये 5 एम्पियर करंट जैसे वो पर्सन को पता चल गया तो पर्सन क्या करेगा, जो बैटरी का जो वोल्टेज है उसे क्या कर देगा, उसे कम कर देगा, उसे कम वोल्टेज की बैटरी लगाने पड़ेंगी, कम वोल्टेज की बैटरी लगाएगा तो उसका जो कॉस्ट है उसमें सेविंग होगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने फिजिक्स का प्रिंसिपल ओम्स लॉ अप्लाई किया, फिजिक्स के लॉ को अप्लाई किया और वो जो पर्सन है उसकी जो प्रॉब्लम है उसको हमने रेक्टिफाई कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे इंजीनियरिंग का मतलब क्या है। इंजीनियर इज अ पर्सन हु मेक यूज़ ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल टू सॉल्व प्रॉब्लम विच इज एग्जिस्टिंग अंडर इंजीनियरिंग लेवल। अभी बहुत से लोग आपको इंजीनियरिंग में मिल जाएंगे जो कि आपको बोलेंगे कि प्रैक्टिकल सीखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन कंपैरिजन विद दी थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ये जो हम लोग जो बुक में जो पढ़ते हैं इसका कुछ भी मतलब प्रैक्टिकल लाइफ से लेना देना नहीं होता, ये सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए होता है। अच्छा, हम लोग ये जो बुक में जो पढ़ते हैं, राइट, हम लोग ये जो बुक में जो पढ़ते हैं इसका कुछ लेना देना नहीं होता है, और जो प्रैक्टिकली जब हम लोग सीखेंगे तो उससे हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। तो हम लोग जो गेट एग्ज़ाम जो क्रैक करते क्या वो ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट के ऊपर बेस होता है या फिर प्रैक्टिकली चीज़ों के ऊपर बेस होता है। और जब हम लोग गेट एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो ऑब्वियसली किसी इंजीनियर को हमें पता है 80K से 90K तक की उसे सैलरी आसानी से मिल जाती है, राइट। और अगर आप टेक्निकली अगर किसी चीज़ को अगर सीख रहे हो ना, टेक्निकली आप सोच रहे हो कि भाई इंजीनियरिंग की डिग्री ले लेता हूँ और मैं कोई टेक्निकली चीज़ सीख जाता हूँ उससे मुझे जॉब मिल जाएंगी, तो बिलीव मी 25,000 से ज़्यादा की आपको जॉब मिलने वाली नहीं है, चलो 35 बोल देता हूँ। यहाँ पर और कुछ मैं प्रॉब्लम्स आपको बताता हूँ जो कि इंजीनियरिंग लेवल पर एग्जिस्ट करती है। इंजीनियरिंग लेवल पर जो प्रॉब्लम होती है वो एग्जिस्ट करती है जब हम लोग किसी चीज़ को इरेक्ट करते हैं, किसी चीज़ को हम लोग इंस्टॉल करते हैं, राइट। इंस्टॉलेशन के बाद जो इंजीनियरिंग लेवल पर जो प्रॉब्लम होती है पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाती है, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो ये वाला जो एग्जांपल जो कंसीडर किया था, ये हिप्पोलाइट पिक्सी ये माइकल फैराडे के लॉ को यूज़ करते हुए डीसी जनरेटर बना रहा था। अभी डीसी जनरेटर हमने बना दिया, डीसी जनरेटर आ गया एग्जिस्टेंस में। डीसी जनरेटर एग्जिस्टेंस में आने के बाद जो इंजीनियरिंग लेवल पर जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। अभी डीसी जनरेटर एग्जिस्टेंस में आने के बाद टेक्नीशियन फैराडे का लॉ तो नहीं लगाते बैठेगा, राइट। टेक्नीशियन क्या करेगा, रिपेयरिंग का काम करेगा, ट्रबल शूटिंग का काम करेगा। तो बोलने का ये मतलब है जब कोई चीज़ एग्जिस्टेंस में आ जाती है तो इंजीनियरिंग लेवल पर जो प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म हो जाती है। एक और एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग लेवल पर अगर आप प्रॉब्लम देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल, जब आप टनल बनाओगे तो आपको इंजीनियरिंग लेवल पर प्रॉब्लम मिलेंगी। ब्रिज कंस्ट्रक्शन के टाइम इंजीनियरिंग लेवल पर प्रॉब्लम, पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन के टाइम इंजीनियरिंग लेवल पर प्रॉब्लम, ट्रांसमिशन लाइन जब आप बिछाओगे तभी आपको इंजीनियरिंग लेवल पर प्रॉब्लम मिलेंगी। तो ये वाले सेकंड वाले एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते एक सी है और वो सी के ऊपर हमें क्या बनाना है, ब्रिज बनाना है। तो यहाँ पर आप देखो, आप ब्रिज को बना रहे हो, जब तक कि आपका ब्रिज बन के पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक क्या आपको इंजीनियरिंग लेवल पर प्रॉब्लम इंजीनियरिंग प्रिंसिपल फिजिक्स मैथमेटिक्स का यूज़ करना होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अभी के ज़माने में जो टेक्नोलॉजी आ गई है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑटो कैट के हेल्प से हम लोग कुछ भी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, मगर फिर भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जहाँ पर आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने बनाया है ब्रिज, यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंजीनियरिंग लेवल पर अभी प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पर ये हमने ब्रिज बनाया, यहाँ पर ये ब्रिज का हमने कंसीडर किया है पायर या फिर आप बोल सकते हो कॉलम, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने बनाया लगा दिया है बीम, ऊपर की तरफ हमने लगा दिया है ब्रिज का जितना भी जो स्ट्रक्चर है वो
फिर बीच में हमने लगा दिया है गर्डर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए, जब आप ब्रिज बनाओगे तो आपको क्या देखना होगा, आपको ये देखना होगा कि जो बीम है ये बीम कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा ये कॉलम के ऊपर, राइट। ये जो बीम है ये बीम के ऊपर हम लोग जो स्लैब जो बिछाएंगे या फिर ये जो बीम का जो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होगा उस पर कितना फोर्स एक्ट करेगा, जब गाड़ियाँ जाएंगी तो कितना फोर्स एक्ट करेगा, जब नॉर्मल पर्सन जाएगा तो कितना फोर्स एक्ट करेगा, हवा के वजह से तूफान के वजह से कितना फोर्स एक्ट करेगा, आप नेट फोर्स कैलकुलेट करोगे और नेट फोर्स कैलकुलेट करने के बाद ही आपका जो ब्रिज का जो स्ट्रक्चर होगा आप उसको डिज़ाइन करोगे। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है वो इंजीनियरिंग लेवल पर प्रॉब्लम है, कोई ऑर्डिनरी पर्सन पकड़ पाना लेके ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है। सिमिलरली स्टैटिक फोर्सेस के बारे में पढ़ोगे, डायनेमिक फोर्सेस आपको कंसिडर करना होगा, कौन कौन से स्टैटिक फोर्सेज ये ब्रिज के ऊपर एक्ट करेंगे, कौन कौन से डायनेमिक फोर्सेज ये ब्रिज के ऊपर एक्ट करेंगे, उसका आपको कंसिडरेशन लेना होगा ये ब्रिज बनाने के टाइम। तो ये जो प्रॉब्लम होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इंजीनियरिंग लेवल पर प्रॉब्लम। जिस भी प्रॉब्लम में फिजिक्स मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट हो जो प्रॉब्लम होती है वो इंजीनियरिंग लेवल पर प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, प्रॉब्लम रिक्वायर फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, दैट प्रॉब्लम इज नोन एज इंजीनियरिंग लेवल प्रॉब्लम। सिमिलरली यहाँ पर मान लेते हैं आप ट्रांसमिशन लाइन बिछा रहे हो तो ऐसे केस में भी आपको कंसिडर करना होगा इंजीनियरिंग लेवल पर, इंजीनियरिंग कंसिडरेशन आपको कंसिडर करना होगा कि ट्रांसमिशन टावर की हाइट कितनी होगी, ये ट्रांसमिशन टावर में आप कौन सा कंडक्टर यूज़ करोगे, जब ये ट्रांसमिशन टावर के अक्रॉस हवा चलेगी तो ये जो कंडक्टर है इस पर कितना फोर्स एक्ट करेगा, राइट। तो ये सब आपको कंसिडर करना होगा और ये जो कंसिडरेशन होता है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं इंजीनियरिंग कंसिडरेशन। और ये इंजीनियरिंग कंसिडरेशन आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि प्रॉब्लम अराइज कर रही है और ये जो प्रॉब्लम है वो इंजीनियरिंग लेवल पर प्रॉब्लम है। तो मैंने आपको सिंपल वर्ड में भी बता दिया, इंजीनियरिंग लेवल पर प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जहाँ पर फिजिक्स मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल आ जाते हैं इन्फ्लुएंस में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एक आइडियल इंजीनियरिंग स्टूडेंट में क्या होना चाहिए, सबसे पहला एक आइडियल इंजीनियरिंग स्टूडेंट में, यहाँ पर अगर हम लोग देखें मोस्ट ऑफ दी जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वो ये थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट होता है, मतलब ये जो हम लोग जो बुक में जो पढ़ते हैं वो समझते हैं क्या ये मतलब कुछ काम का नहीं, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आने वाला है। तो मैंने आपको इसका आंसर क्या थोड़े टाइम पहला गेट का, और ये जो आप प्रैक्टिकली सीख लोगे उसके बाद आप कितना क्या कर लोगे उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। तो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, सबसे पहला जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उसका जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर कट होना चाहिए, एकदम मतलब क्रिस्टल होना चाहिए, एकदम हर एक चीज़ के बारे में उसे पता होना चाहिए। अगर रात के 2 बजे अगर कोई उसे पूछ लेना व्हाट इज़ ओम्स लॉ, व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थर्मोकपल, व्हाट इज़ द लॉरेंस फोर्स, तो जो पर्टिकुलर जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वो बताने के लिए कैपेबल होना चाहिए। तो सबसे पहला थ्योरेटिकल कंसेप्ट किसी भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट का बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। बिलीव मी, अगर आप थ्योरेटिकल कंसेप्ट को अगर बहुत अच्छी तरीके से विजुअलाइज कर पाते हो ना तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम होगी वो आपके लिए कुछ नहीं होगी। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल कंसेप्ट एंड लॉ ऑफ फिजिक्स एंड न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी, जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है वो आपका बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। अगर आपका मैथमेटिकल कंसेप्ट है, मैथमेटिकल कंसेप्ट मतलब ये नहीं 2+2 = 4, 4+2 कितना हो जाएगा 4+2 हो जाएगा 6, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लीकेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो होना ही चाहिए। इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन हायर ऑर्डर मैथमेटिक्स, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर इन्फॉर्मेशन है तो ऐसे केस में आप बहुत सी चीज़ों को समझ पाओगे सिमिलरली, और न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व कर पाओगे। तीसरा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अबोव, ये जो तीसरा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये पहले और ये दो फीचर्स हैं मगर ये तीसरा ही नहीं है तो कुछ मतलब ही नहीं है, राइट। ये तीसरा इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर अगर आप देखो, आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो आप काहे के लिए सीख रहे हो, आप उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर ये हमने दो जो एग्जांपल जो कंसीडर किया, दो जो हमने जो क्राइटेरिया जो कंसीडर किया है, आप इसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये पर्सन ने मुझे आके पूछा था कि सर्किट में कितना करंट होगा ये बता दो, तो मैंने क्या किया, मैंने ओम्स लॉ अप्लाई किया और उसे मैंने इंस्टेंटेनियसली बता दिया कि 5 एम्पीयर करंट फ्लो होगा। ये बड़ा ही रफ एग्जांपल और सिंपल एग्जांपल था कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। अदरवाइज ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते जो कि कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, आप जो एग्जामिनेशन में जो न्यूमेरिकल होता है उसे स्किप करके जाते हो ना, उसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करके जाना, उसी की वजह से आप बनोगे इंजीनियर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें चौथा, अगर हम लोग देखें एनालिटिकल एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंजीनियर का जो माइंड है ना वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट का जो माइंड है वो एनालिटिकल होना चाहिए और कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझने के लिए सफिशिएंट इनफ होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने जो 4-5 क्राइटेरिया के बारे में बात किया ना, अगर आपके 4-5 क्राइटेरिया अगर कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट अपने अंदर एक्वायर कर लेता है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है और ऑब्वियसली वो एक एक्चुअल में इंजीनियर होगा।
यहाँ पर अगर कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट ये सब चीज़ को ग्रैब कर लेता है ना, इसका सबसे बड़ा आपको मैं फ़ायदा बताता हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसका सबसे बड़ा मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ। अगर आप ये सब चीज़ ग्रैब कर लेते हो ना बहुत अच्छी तरीके से, तो कोई बंदा जो कि प्रैक्टिकल चीज़ को समझने के लिए 5 महीना ले रहा है, तो वो सेम चीज़ को समझने के लिए आप 5 दिन लोगे। ये पूरी चीज़ अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो, अगर आप ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हो तो, क्योंकि आपके जो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी होगी, ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने के बाद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी होगी, कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की आपकी जो एबिलिटी होगी, चीज़ों को एक्वायर करने की आपकी जो एबिलिटी होगी ना, वो 10 times से ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन विद दी ऑर्डिनरी पर्सन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल पर्सन। यहाँ पर आपके माइंड में एक ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये अगर हम लोग देखें कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाए, या फिर अगर हम लोग कोई दूसरी इंडस्ट्री में जाए, तो वहाँ पर इंजीनियर तो रिपेयरिंग का भी काम करता है, राइट? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, भले से इंजीनियर रिपेयरिंग का काम कर रहा है, ट्रबल शूटिंग का काम कर रहा है, टेक्निकल लेवल पर काम कर रहा है, मगर नोट डैट वहाँ पर इंजीनियर इंजीनियरिंग लेवल पर काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर अगेन जो कंसर्न जो आ जाता है, किसका कंसर्न आ जाता है? सैलरी का कंसर्न आ जाता है। यहाँ पर अगर आप कोई बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो ना एज एन इंजीनियर, जो कि आपको स्टार्टिंग सैलरी 50-60K ऑफर करे, तो ऐसे केस में ना जो कंपनी है ना, ये 4 criteria कंसिडर करती है इन टर्म्स ऑफ एप्टीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ योर टेक्निकल एबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल, तब जाके आपको जो कंपनी है रिपेयरिंग का काम देती है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो इसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंस होता है किसी भी इंजीनियर की लाइफ में। अगर आप ये सब अगर सेटिस्फाई कर देते हो तो ये आप इंजीनियर के रूप में हो गए, अदरवाइज़ आपको कोई इंजीनियर नहीं बोलने वाला, राइट? अगर मेरे जैसे लोग रहे तो बिल्कुल भी आपको इंजीनियर नहीं बोलेंगे। अगर कोई मतलब ऑर्डिनरी रहा जो कि डिग्री के बेसिस पे इंजीनियरिंग किया है, डिग्री जस्ट एज अ टाइम पास, तो मे भी आपको बोल देवे कि भाई वो यू आर एन इंजीनियर एक्स वाई जेड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर आप कोई इंजीनियर की चारों चीज़ों को अगर बहुत अच्छी तरीके से अगर कर लेता है, तो प्रैक्टिकल चीज़ उसके लिए कुछ नहीं रहती है, राइट? प्रैक्टिकल चीज़ उसके लिए कुछ भी नहीं रहती है। और यहाँ पर ये जो चारों चीज़ मैंने आपको जो बताया हूँ, इसको ग्रैब करना इतना आसान नहीं है। अगर ये चारों चीज़ को ग्रैब करना इतना आसान होता तो आज 90% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड नहीं होते। जैसे कि मैंने आपको बोला, जो इंजीनियरिंग है मजाक है, असाइनमेंट, वाइवा, फिर उसके बाद इंटरनल एक्सटर्नल, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, इसके रेस्पेक्ट में इंजीनियरिंग मजाक है। रात में पढ़ो एग्ज़ाम से एक पहला, दूसरे दिन एग्ज़ाम लिख के आ जाओ, मगर कॉन्सेप्ट के मामले में ना इंजीनियरिंग आपको खा लेंगी। यहाँ पर अभी हम लोग बात कर लेते हैं इंजीनियर और टेक्निकल पर्सन, जो कि मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल पर्सन, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इंजीनियर अंडरस्टैंड वर्क ऑफ टेक्निकल पर्सन इज़ नथिंग इन फ्रंट ऑफ इंजीनियर। इंजीनियर के लिए जो टेक्निकल लेवल पर जो काम होता है ना, उसको समझना कुछ नहीं होता है। अरे भाई, जो बंदा फंके के ट्रांजेंट रिस्पांस के बारे में बता सकता है, स्टेडी स्टेट रिस्पांस के बारे में बता सकता है, तो ये फंका बनाना वो पर्टिकुलर पर्सन के सामने क्या लगता है? आप सोच के देखो, आप इमेजिन करके देखो, अगर मेरी बात अगर आपको सही लगती है तो जो इंजीनियर है, और इससे पहले मैंने आपको ये भी बोला, अगर आप ये सब अगर क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई कर जाते हो ना, तो कोई बंदा प्रैक्टिकल चीज़ अगर 5-6 महीने में सीख रहा, तो आप 1-5 दिन में सीख जाओगे। और उसका रीज़न मैंने आपको बताया, ग्रेस्पिंग पावर आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन विद द ऑर्डिनरी पर्सन। तो टेक्निकल पर्सन कैन ओनली डील विथ रिपेयरिंग, मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग। जो टेक्निकल पर्सन है वो मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ट्रबल शूटिंग से ही डील कर सकता है। रिपेयरिंग मतलब किसी भी चीज़ में फॉल्ट आ गया तो उसको एक पार्ट को निकालो और दूसरा पार्ट लगा दो, इसको हम लोग बोलते हैं रिपेयरिंग। ट्रबल शूटिंग और मेंटेनेंस ये नॉर्मल पर्सन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं टेक्नीशियन वाला बंदा कर सकता है। वहाँ पर अगर हम लोग देखें, इंजीनियर में जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वो थोड़ी कम होती है, राइट? दूसरा, ये जो टेक्नीशियन वाला जो पर्सन होता है, इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होती है। और ये जो इंजीनियर में जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो कम होती है ना, ये प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए इंजीनियर सबसे पहला बना ही नहीं होता है। इंजीनियर जो बना होता है फिजिक्स, मैथमेटिक्स और अपना इंजीनियरिंग प्रिंसिपल के लिए, मैं 10 बार ये बोलूँगा, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल के लिए बना होता है इंजीनियर। मगर अभी का ज़माना ऐसा है कि हमें बेसिकली जो काम जो करना पड़ता है वो टेक्निकल लेवल पर ही करना पड़ता है। इंजीनियरिंग लेवल पर हमें बहुत कम काम दिखाई देता है। उसका रीज़न ये होता है कि कोई चीज़ जब एग्जिस्टेंस में आ जाती है तो इंजीनियरिंग लेवल पर जो काम होता है वो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इंजीनियर की जो पे स्केल होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन विद दी पर्सन जो कि है टेक्नीशियन, उसकी जो पे स्केल होती है वो कम होती है। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला थोड़े टाइम पहला, 90% ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड होते हैं ये रीज़न के वजह से।
90% ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट डोंट 90% ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट डोंट बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। जैसा कि हमने डिस्कस किया, चार पांच क्राइटेरिया को 95 ये चार पांच क्राइटेरिया को एक्वायर करना इतना आसान नहीं होता। यही रीज़न के वजह से जो 90% ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, क्योंकि जो इंजीनियरिंग के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो इतने आसान नहीं होते कि एक बार में आप समझ जाओ। अगर आप एक बार में उसको एनी हाउ समझ भी जाते हो तो दूसरे बार आप भूल जाओगे। तो इसके लिए आपको बहुत सारे बेसिक, बहुत सारे फंडामेंटल, बहुत सारे कोर कॉन्सेप्ट और सबसे बड़ी बात आपका इंटरेस्ट मैटर करता है। तो इतनी लंबी वीडियो हो गई, ये वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा यही इंटेंशन था कि इंजीनियरिंग को बिल्कुल भी कंपेयर ना करें टेक्निकल लेवल वर्क से। इंजीनियरिंग लेवल पर वर्क और टेक्निकल लेवल पर वर्क, ये दोनों में डिफरेंस होता है, राइट? एक इंजीनियर की क्या रिक्वायरमेंट होती है और एक टेक्नीशियन की क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसके बारे में आई होप आपको पता चल गया होगा।